आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के गोपालगंज दौरे की एक वीडियो ने बिहार में सियासी घमासान मचा रखा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि गोपालगंज के डीएसपी लालू यादव के लिए छाता लगाकर उनके साथ चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कई आपराधिक मामलों में कोर्ट द्वारा अपराधी घोषित किए जा चुके हैं और उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। सजा याफ्ता लालू यादव को छाता लगाने वाले डीएसपी को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं कि छाता लगाने वाले डीएसपी लालू यादव के बेहद करीबी एक बालू कारोबारी के दामाद हैं। इस मामले में अब डीएसपी की सफाई भी सामने आ गई है। गोपालगंज के हथुआ डीएसपी अनुराग कुमार ने मीडिया के सामने अपनी सफाई दी है। अनुराग कुमार ने कहा है कि गोपालगंज के डीएम और एसपी ने लालू यादव की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया था, इसीलिए लालू यादव के दौरे के समय में पुलिस बल के साथ वहां पर तैनात था, लेकिन वहां तेज बारिश होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं हो पाई, लेकिन हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा देने की कोशिश की है। डीएसपी अनुराग कुमार ने लालू यादव को छाता लगाने का एक साथ कई कारण गिना दिया। मीडिया से बात करते हुए पहले अनुराग कुमार ने कहा कि लालू यादव को छाता लगाने का आरोप बिल्कुल निराधार है। वहां इतनी तेज बारिश हो रही थी, मेरे पास हथियार था, मैं शुरू से ही अपनी सुरक्षा के लिए छाता लिए हुए था। डीएसपी ने फिर मानवता की दुहाई भी दे दी। अनुराग कुमार ने कहा कि आगे आगे लोग थे, मानवता के आधार पर और चुकी और लोगों का सिक्योरिटी हमको देखना था, इसीलिए हम लालू यादव के साथ साथ चल रहे थे। इसी को निगेटिव खबर बनाकर लोग चला रहे हैं। एसपी अनुराग कुमार ने कहा है कि मैं गुड फेस में काम किया हूँ, कानून सम्मत काम किया हूँ और मेरी मनसा ठीक थी। बता दें कि गोपालगंज गए लालू यादव आज प्रसिद्ध थावे मंदिर गए थे, उस दौरान हल्की बारिश हो रही थी। लालू के थावे दौरे का वीडियो सामने आया है जिसमें गोपालगंज के डीएसपी अनुराग कुमार लालू यादव के लिए छाता लगाकर चलते हुए दिखाई दिए हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद बीजेपी ने इसे लेकर नीतीश सरकार पर भी हमला बोल दिया है। जी हाँ, बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के गोपालगंज दौरे की एक वीडियो ने बिहार में सियासी घमासान मचा रखा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि गोपालगंज के डीएसपी लालू यादव के लिए छाता लगाकर उनके साथ चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कई आपराधिक मामलों में कोर्ट द्वारा अपराधी घोषित किए जा चुके हैं और उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। सजा याफ्ता लालू यादव को छाता लगाने वाले डीएसपी को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं कि छाता लगाने वाले डीएसपी लालू यादव के बेहद करीबी एक बालू कारोबारी के दामाद हैं। इस मामले में अब डीएसपी ने भी सफाई दे दी है, जिसको लेकर अब इसके बाद बीजेपी ने इसको लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है।